हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और अभी मैं खड़ा हूँ सिट्रोन के शोरूम पर और हमारे सामने खड़ी है सिट्रोन की एक इलेक्ट्रिक कार जो कि है सिट्रोन C3 EV। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये खड़ी हुई है और आज मैं कुछ वीडियो में सिट्रोन C3 EV की इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंटीरियर को, एक्सटीरियर को, इसकी रेंज क्या है, कितने घंटे में चार्ज होती है, वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए और मैं आपको एक एक करके सिट्रोन C3 EV की इस वीडियो में पूरी डिटेल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपको इस टाइप से एक की मिलती है, अगर आप देंगे तो जैसे कि सिट्रोन C3 में आती है वैसे आपको की मिलती है। दो आपको बटन मिलते हैं लॉक एंड अनलॉक, ऐसा करके आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको फ्रंट की लुक मिलती है, अगर आप देंगे तो ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी इसमें विंडशील्ड मिल जाती है अगर आप देंगे तो, और उस विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर वाइपर मिलते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा एंटीना मिल जाता है और ई की आपको देख सकते हैं ईवी कार है तो यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। हेलोजन भी आपको यहाँ पर इसमें इंडिकेटर मिलते हैं। और फ्रंट के लुक की बात करें तो ओवरऑल आपको ऐसी फ्रंट से लुक मिलेगी अगर मैं दिखाऊं तो, कुछ इस टाइप से आपको फ्रंट की लुक मिलती है। यहाँ पे आपको सिट्रोन का लोगो मिलता है जो कि क्रोम में है और यहाँ पर भी ये क्रोम कंटिन्यू होता है। और यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन भी आपको लाइट मिलती है, हेलोजन भी आपको फ्रंट में लाइट मिलती है, हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिलते हैं। और यहाँ पर आपको DRL टाइप में मिल जाती है। टू हुक की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है इसमें टू हुक। यहाँ पे फॉग लैंप भी जगह दी गई है, फॉग लैंप तो नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर में यहाँ पर ग्रिल मिलती है और यहाँ पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है। और ये इसकी ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यह ओवरऑल फ्रंट की लुक, ये इसका बोनेट का एरिया, यहाँ पर हल्की सी डिज़ाइन दी गई है कर्व है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं साइड से दिखाऊँ तो इस टाइप से आपको साइड की लुक मिलेगी, देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं और ऊपर आपको थोड़ी सी ग्रे और ब्लैक कलर की आपको दिखेगी। उस टाइप में आपको ऊपर रूफ रेल्स दी गई है जो कि इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस करती है, लुक को बढ़ाती है। यहाँ पर आपको आउटसाइड डोर हैंडल मिलते हैं, बॉडी कलर में आपको आउटसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं। एक चाबी आपको रिमोट वाली मिलेगी तो दूसरी चाबी आपको नॉर्मल मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे इसमें ये अलॉय व्हील लगे हुए हैं, सिट्रोन के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इनकी अगर मैं साइज दिखाऊँ तो 195/65 और 15 इंच के आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा आपको सस्पेंशन का ट्रेवल मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम से आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आसानी से, तो कहीं से भी नीचे से टच नहीं होगी। अगर मैं रियर से दिखाऊँ तो इस टाइप से आपको रियर से लुक मिलती है सिट्रोन C3 EV की, जो कि पीछे ब्रांडिंग भी दी गई है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस आपको नॉर्मल सी टेलें मिल जाती है, फ्रंट में डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है। हाँ, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है, ये चीज़ मैं बता दूँ। ये इसकी ओवरऑल रियर से लुक। अब इसकी बूट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इस टाइप से इसमें आपको बूट मिलती है। यहाँ पर अब इसमें चार्जिंग वगैरह रखा हुआ है, बूट लैंप वगैरह तो कोई भी नहीं मिलेगी लेकिन बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है 315 लीटर के अराउंड में। यहाँ पे आपको रियर में पार्सल ट्रे मिलती है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, C3 EV की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये चीज़ें मिल जाती है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं इसके इंटीरियर को मतलब अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद में इसकी रेंज क्या है वो चीज़ें भी आपको बताऊँगा। तो इस टाइप से आपको ड्राइवर साइड डोर मिलता है। अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ, ऐसा आप इसके अंदर बैठेंगे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको अंदर बैठना होगा। ऐसा आपको उसमें मीटर मिलता है, कुछ इस टाइप से आपको उसमें मीटर मिलता है जिसमें आपको बैटरी की रेंज बताएगा, यहाँ पे न्यूट्रल का बता रहा है और यहाँ पे आपको सभी और अदर वार्निंग आपको यहीं पर शो होगी। कुछ इस टाइप से आपको पूरा डिजिटल तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा खासा आपको डिजिटल वे में मीटर मिल जाता है। यहाँ से आप इसके वाइपर चलेंगे आगे के पीछे के, इस साइड से आप इसकी लाइटों को चलेंगे। ये रही इसकी स्टीयरिंग व्हील। अगर आप कहेंगे कि मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम आई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शोरूम में काफ़ी कस्टमर है अभी और सारे लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हालाँकि मैंने परमिशन लेके वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज़ एक, अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं, अगर बाहर वीडियो बनाते हैं, मैंने तो बाहर का कहा था लेकिन तो बाहर और अपन अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगर किसी लोकेशन पर ले जाकर गाड़ी की वीडियो बनाते हैं तो
लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ इस टाइप से आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के, कॉल उठाने के, काटने के। मैनुअल आपको ऐसी मिलती है। एक चीज़ मैं बता दूँ कि सिट्रोन कम प्राइस में लोगों को मतलब टारगेट करे, जो कम प्राइस में अच्छी कार लेना चाहते हैं उसको सिट्रोन कंपनी टारगेट कर दी। इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, फैंसी फीचर्स के पुश बटन स्टार्ट टॉप हो गया, या फिर और भी काफ़ी सनरूफ वगैरह आती है, या फिर और भी काफ़ी फैंसी फीचर, वो इसमें नहीं मिलते। जरूरत के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये मैनुअल एसी हो गई। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी 10 इंच के राउंड में टचस्क्रीन मिल जाती है, ये चीज़ है। ऐसा आपको इसमें गियर का टॉगल मिलता है, अगर आप देंगे तो रिवर्स में, न्यूट्रल में, ऐसा आप लगा सकते हैं, डी में। यहाँ पे आपको इको का मोड मिल जाता है। ये इसका गियर आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, सपाट है एकदम। ये आपको मिल जाता है क्योंकि ईवी है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस मिल जाती है। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है, काफ़ी बड़ा आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है। और ये इसका डैशबोर्ड C3 एंड C3 एयरक्रॉस में आता है, वैसा ही आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एसी के वेंट मिल जाते हैं, और ये टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये आप चला सकते हैं। कह रहा हूँ ना, जरूरत के आपको फीचर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब फैंस आपको फीचर्स मिलते हैं। मैनुअली आपको IRVM मिलता है। ये रहा इसका सन वाइजर विद वैनिटी मिरर के साथ में। ड्राइवर साइड में आपको नॉर्मली मिलेगा, हेलोजन बेस आपको लाइट मिल जाती है। ये हैंड ब्रेक हो गई, और दो आपको विंडोज यहाँ मिलती है, और दो आपको यहाँ मिलती है करने की, और वहाँ पर भी रियर के इसमें नहीं दी गई है, बाकी सीधे एयरक्रॉस में वहाँ पर भी आती है विंडो के कंट्रोल, अगर रियर के पैसेंजर कर रहे हैं तो। इस टाइप से आपको एसी के वेंट मिलते हैं। 320 किलोमीटर की इस गाड़ी की रेंज है, ये मैं बता दूं एक बार में चार्ज करने में। कंपनी क्लेम करती है 320 किलोमीटर। मैनुअली आपको हेडलाइट लेवल का यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इस शीशों को यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। अभी मैं इसके बोनट को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसका चार्जिंग वाला आप ओपन करेंगे, ये चीज़ मैं बता दूँ। दो आपको पैडल मिलते हैं क्योंकि ईवी है, ऑटोमेटिक में ही आती है। यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे, DC एंड AC दोनों में ये चार्ज होती है, आप देख लीजिए। दो दो आपको यहाँ पर सॉकेट मिलते हैं, यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे, दोनों आपको सॉकेट मिल जाते हैं। अभी मैं इसके बोनेट को आपको ऊपर करके बता देता हूँ। ये इसका बोनेट ऊपर हो गया, तो ईवी है तो कोई इंजन वगैरह तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल यहाँ बैटरी मिल जाती है, नीचे AC के कंडेंसर वगैरह होंगे, और मोटर मिलती है आपको जो कि आपको 57 PS की पावर निकाल कर देती है, और 320 किलोमीटर का आपको लॉन्ग रेंज देती है। अंदर इको मोड मिल जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया था। इंसुलेशन दी गई है, और यहाँ पे ये पूरी वायरिंग वगैरह है, वाइपर का फ्लूड वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं, ये ब्रेक के ऑयल वगैरह है। 320 किलोमीटर की रेंज है। अब इसकी DRL ऑन है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसकी DRL ऑन है। 320 किलोमीटर की यह रेंज निकाल कर देती है। अभी मैंने खुद ने सड़कों पर देखी नहीं है, इसलिए रियल लाइफ में रेंज क्या देती है और कितने घंटों में चार्ज होती है ये भी मैं आपको कैसे बताऊं, ये चीज़। बाकी DC एंड AC मतलब फास्ट एंड नॉर्मल दोनों चार्जर सपोर्ट करती है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इसकी नंबर मैं आपको सेल्स के बंदे के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो। कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।